हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज खुशी एंड मैं आज आपको शेयर करूंगी मेरी मॉनसून की स्किन केयर रूटीन। एंड मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, तो मॉनसून में आप अपनी ऑयली स्किन को कैसे केयर कर सकते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। एंड यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूंगी उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला स्टेप है क्लिंजिंग। तो क्लिंजिंग के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मैं बायोटेक की बायो पापाया विजिबल एजलेस स्क्रब वॉश। ये एक फेस वॉश है, इसमें जो छोटे छोटे बीड्स है हमारे ओपन पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर आपके व्हाइट हेयर से या ब्लैक हेयर से उसको भी ये क्लीन करेगा। ये मॉनसून के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिनके पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। ये हमारे स्किन को ग्लोइंग करता है एंड फ्रेश बनाता है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी। अभी मैं अपनी फेस को जो है गीला कर ली हूँ एंड अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी अपनी फेस में। वन ड्रॉप लीजिए एंड आपके फेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी अपने फेस को क्लीन कर ली हूँ एंड अभी मैं अप्लाई करूँगी स्क्रब। तो यहाँ पे मैं बायोटेक की बायो पापाया टैंग रिमूवल स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये बायोटेक की न्यू प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए। ये टैन को भी अच्छे से रिमूव कर लेता है। आपको इसे वन ड्रॉप लेना है एंड आपके फेस में स्क्रब करना है। आप अपने फेस के साथ नेक को भी जरूर अप्लाई करें। टू मिनट स्क्रब के बाद आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं एंड आप इसको हमेशा वीकली टू टाइम्स अप्लाई करें स्क्रब को। और ये बहुत ही अच्छा माइल्ड स्क्रब है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी मैं अपने फेस को अच्छे से ड्राई करूंगी। ड्राई करने के बाद मैं अपने फेस में अप्लाई करूंगी फेस पैक। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मेरी टैन रिमूव हो गई है। अभी मैं रूप मंत्रा की मुल्तानी मिट्टी की फेस पैक अप्लाई करूँगी। अभी मैं अप्लाई करूंगी रूप मंत्रा की मुल्तानी मिट्टी डी टेन फेस पैक। ये हमारी स्किन से डेड सेल को निकालने में हेल्प करता है एंड दिविसा कंपनी ने इस प्रोडक्ट को मुझे भेजे थे रिव्यू करने के लिए। इसके रिव्यू भी की हूँ, अगर आप चेक नहीं किए तो ज़रूर चेक करें। अभी मैं इसको अपने फेस में अप्लाई करूँगी। तो अप्लाई करने के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आपकी हैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं।
मैं अभी अपने पूरी फेस में अप्लाई कर चुकी हूँ। इसको मैं 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए रखूँगी, उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर में क्लीन कर लूँगी। हे गाइस, फेस जो है ड्राई हो चुकी है, अभी मैं इसको नॉर्मल वाटर में क्लीन करूँगी। फेस पैक के बाद मैं अपने फेस को क्लीन कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं फेस काफ़ी क्लीन हो चुकी है एंड सॉफ्ट हो चुकी है। अभी मैं एक ड्राई टॉवल में अपने फेस को मैं ड्राई करूँगी। अभी मैं अपने फेस को करूँगी टोनिंग। टोनिंग के लिए यहाँ पे ली हूँ डाबर गुलावरी का रोज वाटर, जो कि मेरे फेस को प्रॉपरली टोनिंग करेगा एंड मॉइस्चराइजर भी करेगा एंड जितने भी डर्ट होंगे उसको ये क्लीन करने में हेल्प करेगा। एंड एक कॉटन पैड ली हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी अपने फेस को। बाद में अप्लाई करूंगी एलोवेरा जेल। ये पतंजलि का एलोवेरा जेल अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ। एलोवेरा जेल हमारी फेस को प्रॉपरली मॉइस्चराइजर करता है, पिंपल फ्री करता है, रिंकल्स को हटाता है एंड हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है। एंड अभी मैं अप्लाई करूंगी एक क्रीम की तरह इसको। अभी हो गई है नाइट, तो इसीलिए ये जो स्किन केयर है बहुत ही अच्छे से मैं की हूँ। अब अच्छे से मसाज कीजिए। इसको मैं नेचुरली मैं अप्लाई करूंगी वादी का लिप बाम। आप देख सकते हैं ये लिप बाम अपनी जो लिप्स को है प्रॉपरली मॉइस्चराइजर करता है। स्किन केयर के साथ साथ आपको लिप को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो अपनी लिप्स में मैं अप्लाई करूंगी। गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्किन जो है नेचुरली क्लीन हो चुकी है एंड ये एक अच्छा स्किन केयर रूटीन है। एंड जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ की हूँ बहुत ही अफोर्डेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।